हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज की हम अपनी रेसिपी बनाते हैं जो कि है समोसे। सबको पसंद होता है तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने मैदा ले लिया है, आप ये देख सकते हैं। उसमें हम देसी घी या रिफाइंड ऑयल, है ना, या फिर अगर कम हो तो दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, उसका हम मैन देंगे, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं मंगरेल। तो ये हमने, आप देख रहे हैं, मंगरेल डाल दिया है। फिर हमने नमक डाल दिया है, तो आप ये देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा तेल, रिफाइंड ऑयल या फिर घी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से गूंथ लेते हैं। याद रखिएगा इन चीज़ों का, हल्का हल्का पानी डाल के हमें गूंथना है और बहुत ही ज़्यादा लूज़ नहीं गूंथना है, थोड़ा हमें टाइट ही गूंथना है, क्योंकि समोसे का जो ये आटा होता है, समोसे का मैदा, वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होता है, हार्ड होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने गूंथ लिया है अच्छी तरीके से, ये हो चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं ना, इसे किसी कॉटन के कपड़े से या किसी कपड़े से अच्छी तरीके से हल्का सा ऊपर पानी लगा के ढक के हम रख देते हैं एक बाउल में, और थोड़ी देर के लिए हम इसे रहने देंगे। ढका हुआ इसे हम रख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक पैन लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पैन ले लिया हमने। पैन में हम ऑयल डाला है, उसके बाद हम इसमें पचफोरन डालते हैं। इसको हल्का सा हम भून लेंगे, मतलब हल्का रेडिश हो जाएगा पचफोरन, उसके बाद ही हम इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये हो चुका है। तो उसके बाद हम इसमें प्याज काट के डाल देंगे। प्याज हमने थोड़ा पतला ही काट लिया है, नॉर्मल साइज़ का, तो वो हम प्याज डाल देते हैं। आप ये देख सकते हैं प्याज डाल दिया है। अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है। तो हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसे चला लेंगे अच्छी तरीके से। आप ये देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चला लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप इसमें स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपका स्वाद हो। उसके बाद हम इसमें आलू डाल रहे हैं। आलू बॉईल करके रखा था, वही हम आलू इसमें यूज़ कर रहे हैं, बॉयल्ड आलू। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छी तरीके से हम मैश करके अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद हमने ये नींबू लिया है, आधा आधा नींबू हम इसमें डालेंगे, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद हमने ये मटर लिया है और मूंगफली के दाने, ये हमने डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। आलू को ना थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा थोड़ा, ताकि अच्छा लगे। आप ये देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, ये अच्छी तरीके से हो चुका है। तो अब हम लेते हैं मैदा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही गूंथ के रख लिया था, और ये है आलू। उसके बाद हमने मैदा ले लिया है, इसे हम हल्का सा ले लेते हैं, आधे आधे दो भागों में हम इसे कर लेंगे मैदे को। उसके बाद हम लेंगे इसकी लोई बनाएंगे, ये देख सकते हैं लोई हमने एक लिया है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कितना बड़ा साइज़ रखना है, क्या रखना है। तो एक लोई ले लिया है हमने। उसके बाद हम इस पर हल्का सा मैदा डालने वाले हैं, और मैदा का फिर हम इसमें अच्छी तरीके से इसे बेल लेंगे बेलन की मदद से। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, नॉर्मल साइज का ही हमें इसे बेलना है। आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आटा बहुत ज़्यादा आपका लूज नहीं है, नॉर्मल साइज का ही है, बहुत ज़्यादा ये
गीला नहीं है, नहीं अगर गीला होगा ज़्यादा ना तो फिर ये अच्छे से स्टब नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हम इसे ना दो भागों में कट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अब हम करने वाले हैं स्टफ। ये आप देख सकते हैं ऐसे इसे मोड़ना है, उसके बाद ही स्टफ करना है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे इसे हम मोड़ते हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा गलती हो जाती है, अच्छे से मोड़ नहीं पाता है तो फिर समोसे अच्छे नहीं दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं ऐसे करके से ही मोड़ना है। अब हम एक काम करते हैं, इसके साइड पे एक कोने में हल्का हल्का हम पानी लगा लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आप ये देख सकते हैं पानी लगा दिया है और अब हम इसे चिपका देंगे। ये देख सकते हैं अब हम इसमें जो आलू हमने बनाया था वो हम स्टफ करेंगे। आप थोड़ा देख कर करिएगा कि कितना ज़्यादा हो, ताकि ये टूटे ना साइड से कहीं भी। ये देख सकते हैं ये हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर से भी ना पानी हल्का सा लगा देंगे चारों तरफ उसके, ताकि ये जब हम इसे पैक कर दें इसके पॉकेट बना के, तो ये अच्छी तरीके से रहे। ये आप देख सकते हैं पानी लगा दिया है। पानी लगाने से ना ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है और इसके पॉकेट जो है वो टूटते नहीं हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं ये समोसे बन चुके हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी सारे समोसों को भी ऐसे ही हम बना लेंगे। आप ये देख सकते हैं हम वापस से इसे अच्छी तरीके से बेलेंगे, देन काटेंगे, उसके बाद हम इसे स्टफ्ड कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे समोसों को अच्छी तरीके से बना लेंगे। आप ये देख सकते हैं सारे समोसों को हमने स्टफ्ड करके भर के रख लिया है। आप ये देखिए सारे समोसे आपको दिख रहे होंगे, ये बन चुके हैं। अब हमें एक काम करना है कि हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देख सकते हैं समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस अब बस छानने की देरी है इनको और फिर खाने की देरी है। ऑयल ले लिया है, उसे हम गरम कर लेते हैं। उसके बाद हम ये समोसों को जो पॉकेट बनाया था उसे हम गरम तेल में डाल देते हैं। अब ये देख सकते हैं आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई होंगे। इन्हें हम थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, ये रेडिश हो जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे इन समोसों को। ये आप देख सकते हैं ये हो चुके हैं, तो हमने इनको निकाल लिया है समोसों को। फ्राई तो आप सब लोग ही कर लेंगे, क्योंकि आप लोग तो देखते ही रहते हैं और आप लोग बनाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया, बल्कि हमने बनाने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। ये इसका ऑयल हम थोड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। आप ये देख सकते हैं समोसे बिल्कुल रेडी है। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपके समोसे कैसे बने थे। थैंक यू, आप लोगों बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है। धन्यवाद।